हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग कैप्रिकॉर्न की, यानी कि मकर राशि वालों की, और जानने की कोशिश करूंगी आपके लिए जो है ये आने वाला हफ्ता जो है 11 से 17 जुलाई कैसा रहने वाला है। क्या मेजर चेंजेस अट्रैक्ट कर रहे हो आप? कोई साइकिल है जो एंड होने वाला है? अगर किसी टॉक्सिक चीज़ों को लेकर अगर आप परेशान हो, किसी चीज़ के लिए बहुत बार ट्राई कर रहे हो, चाहे वो एग्ज़ाम हो, जॉब हो, कुछ भी हो सकता है, कहीं बाहर जाना हो या फिर कोई वीज़ा एप्लीकेशन हो, ऐसे कोई भी अगर आपके मन में सवाल है तो उसका हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है और एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलराइट, तो चलिए आज हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे मेजर आर्काना कार्ड से और देखने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स सबसे पहले आपको क्या मैसेज दे रही है। फिर हम टैरो से कार्ड्स निकालेंगे और फिर हम बाद में देखेंगे कि क्या है आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स। ऑलराइट, पहले हम दो कार्ड्स निकालेंगे यूनिवर्स की तरफ से, फिर हम रीडिंग को करेंगे स्टार्ट। ऑलराइट, कैप्रिकॉर्न के लिए पहली ही एनर्जी आई है द हैंग्ड मैन। ओके, एंड द स्ट्रेंथ। ओके, टेम्परेंस। फायर साइन के लोग कैप्रिकॉर्न आपकी जिंदगी में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जिसमें सैजिटेरियस और लियो की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपके लिए एक तो मुझे लग रहा है कि कोई फायर साइन का ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपके दोस्त के रूप में हो सकते हैं। उनका कोई एक साइन फायर साइन हो सकता है, वो पर्सन कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक बहुत मेजर रोल प्ले करने वाले हैं इस हफ्ते, यानी कि 11 to 17 जुलाई में। कोई मेजर डिसीजन है, कोई ऐसे स्टकनेस की एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि कहीं आप ट्रैप हो चुके हो, ऐसा लग रहा है कि कोई टॉक्सिक कनेक्शन भी हो सकता है आपके आसपास जहां से आपको निकलने की ज़रूरत है, आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा, तो आपकी जो है ये स्टकनेस से भी आप बाहर आओगे। और उस पर्सन का जो एक साइन हो सकता है वो फायर साइन डेफिनेटली हो सकता है, और उस पर्सन की मदद से ही जो है आप अपने एनर्जी को सही कर पाओगे। अगर बहुत टाइम से एक ही जैसी साइकिल चल रही है, आप एक ही लूप में बार बार हो, तो उस लूप से भी आप बाहर आओगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स। सेवन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, सेवन नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है सेवन ऑफ सोर्ड्स। वाओ, यहाँ से है फाइव ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट, यहाँ से है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है आप जिनके साथ रिलेशनशिप में थे, जो कहीं ना कहीं फिर से आपके लिए हैंगमैन का कार्ड आया है बॉटम से, तो अगर आप किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप में थे फ्रेंड्स, जो कि हो सकता है एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको हमेशा से आपके लिए सरदर्द रहे हैं, यानी कि आप रिलेशनशिप में थे बट जैसे जैसे आप इस पर्सन के साथ टाइम बिताते चले गए वो चीज़ें टॉक्सिक होती चली गई, चीज़ों का कोई आउटकम नहीं निकला, तो अब जो है आपको इसकी क्लैरिटी जो है वो डेफिनेटली मिलने वाली है। ऐसा लग रहा है कि आपने अपने टाइम के साथ साथ अपनी मनी, अपना बहुत कुछ इस पर्सन के साथ इन्वेस्ट भी किया है बट आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं मिला, आउटपुट जो रहा है आपका जीरो ही रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, तो हो सकता है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो आपको कन्विंस करने के लिए कि नहीं यार ये ठीक हो जाएगा, इट्स ओके, बट मुझे लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को एंड करना चाहते हो, क्योंकि अब आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते और ऐसा लग रहा है कि आप इससे बाहर आना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने मैरिज से मूव ऑन कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया। हो सकता है कुछ लोग 5 साल या 7 साल से किसी ऐसे चीज़ में स्टक है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये टाइम है कि अब आप बाहर निकल पाओ।
मुझे यहाँ पे एक और एनर्जी नजर आ रही है, वो ये है कि स्टेबिलिटी मुझे नजर आ रहा है। कुछ लोग की मदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, आपकी मदर का सपोर्ट आपको डेफिनेटली रहेगा। और ऐसा भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड्स भी है और सेवन ऑफ सोर्ड्स भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, माने कि हर सिचुएशन से भाग जाना, तो हो सकता है आपकी एनर्जी ऐसी थी कि ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर था आपका, इससे हमेशा अगर आप भाग जाया करते थे, हमेशा आप भागे भागे फिरते थे, तो अब ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में चेंज हो रहा है। माने कि अब आप इसके लिए इसको फेस करने वाले हो, इसका सामना करने वाले हो और इस चीज को एकदम जड़ से खत्म करने वाले हो कि नहीं अब हो गया, आई वॉन्ट टू एंड दिस। तो अगर कोई ऐसी चीजें हैं तो आप क्लैरिटी मांग रहे हो और ये क्लैरिटी भी आपको मिलने वाली है। कुछ लोग जो है अपने शहर से बाहर जा सकते हैं, अपनी कंट्री से बाहर जा सकते हैं और एक नई शुरुआत करने का भी ये टाइम आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा टाइम भी है। दो बार हैंगमैन का कार्ड आना, माने कि आपकी ये जो साइकिल चल रही है टॉक्सिक वाली, ये बहुत लंबे अरसे से चल रही है और ये अब इसका एक फैसला मांग रही है। और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि आपकी एनर्जी बता रही है कि आप लोगों की बातें ज़्यादा सुनते हो, लोगों के साथ चीज़ें शेयर करते हो बट सॉल्यूशन भी लेते हो बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। ये हफ्ता वो है जब आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वरना ये साइकिल फिर चलती रहेगी और बैलेंस जो है आपके लाइफ में नहीं आएगा। ऑलराइट, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप अगर बाहर जाने की सोच रहे हो बिना आंसर किए इस पर्सन को, इस रिलेशनशिप को बीच में छोड़ के ही अगर आप भागने की फिर से कोशिश कर रहे हो, तो ये बहुत ही नाकाम कोशिश होगी आपकी, क्योंकि इससे आपको कुछ आंसर या फिर कोई फल नहीं मिलेगा। मुझे यहाँ पे 20-30% लोगों के लिए भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके लाइफ में एक ऐसा फ्रेंड अट्रैक्ट हो रहा है या फिर कोई ऐसा कनेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है जो अभी थोड़ा धुंधला सा है। हो सकता है अगर आप किसी नए सिटी या नए शहर या फिर नए कंट्री में जाओ तो वहाँ पे आपको ये पर्सन मिले और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ऐसा आपको उनके ऑरा से लगे, आपको उनकी बातों से लगे कि ये पर्सन कितना मैच्योर है। आप अब तक जितनी रिलेशनशिप में रहे हो हर जगह आपको चीज़ें समझानी पड़ी हैं, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा हो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहा है, तो इससे भी आप बाहर आओगे। अगर मैं आपकी ओवरऑल हेल्थ की बात करूँ तो हेडेक हो सकता है आपको, सरदर्द का प्रॉब्लम, माइग्रेन, साइनस, ये सब अगर आपको कोई टेंडेंसी है तो ये थोड़ी बढ़ सकती है इस वीक में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों को जो है वायरल भी हो सकता है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों मैसेज आ रहा है बार है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो थोड़ा अपने हेल्थ का ध्यान रखें, थोड़ा अपने डाइजेशन का ध्यान रखें, ये रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ओवरऑल बाकी सब कुछ तो अच्छा है। ये टाइम है क्लैरिटी का, ये टाइम है चेंज का और ये टाइम है मूव ऑन करने का। स्टकनेस में ना रहे, अब बाहर निकलने की बारी आई है, एनर्जी को बैलेंस करने की बारी आई है, तो इस चीज से अगर आप पीछे ना हटे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑलराइट, चलिए अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से जो है आपके लिए क्या मैसेज है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ऑलराइट, योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर आपके ड्रीम में ऐसा कुछ है जो आप चाह रहे हो, नया स्टार्ट करना या फिर कुछ ऐसा है जो आपने अपने हॉबी को लेकर सोच के रखा है, वो डेफिनेटली आने वाले वक्त में अगर आप उसको सही प्लान करते हैं तो वो भी फुलफिल होने की संभावना है, बट इस वीक में नहीं, आगे जाकर। सरेंडर टू द डिवाइन, मैंने बोला है कि आपकी भागने वाले एनर्जी है, आप भाग जाते हो, आप सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, जब भी कोई मुसीबत आती है आप नहीं रहते हो, चाहे प्रॉब्लम आप ही का क्यों ना हो, आपको लगता है भाग जाना सही है, बाद में आऊंगा या आऊंगी फिर सेटल होगा। इस बार कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए अगर आपको लगता है कि चीजें अगर आपसे हैंडल नहीं हो रही है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो जी हाँ, यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहती है कि एडजस्टमेंट की जरूरत है। हो सकता है आप जो है चीजों को एडजस्ट ही नहीं करना चाहते, आप समझना ही नहीं चाहते, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि भाग जाना ही बेहतर है या फिर भाग जाने से ही सारे आंसर मिलेंगे, तो यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहती है कि नहीं, भागने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, उस पर काम करने से जो है सॉल्यूशन निकलता है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए तीन चीज़ें। सबसे पहले भागिए नहीं, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। ये फुल मून जो आने वाला है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाला है। हो सकता है पास्ट की चीज़ें याद आए, पास्ट के कोई ट्रॉमाज आपको याद आए, तो उसे याद ना करें। इसलिए अगर आप मेडिटेट करते हैं, थोड़ा हीलिंग करते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं आप
अच्छे जगह ट्रैवल कर सकते हैं, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई प्रोजेक्ट अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई भी अगर आपका ड्रीम या आपके पैशन से रिलेटेड कोई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, तो पहले उसका प्लान बनाएं, पहले उसकी ब्लूप्रिंट बनाएं, फिर आप उसके लिए इनिशिएटिव लें। पहले ही इनिशिएटिव ले लेंगे, पहले ही इन्वेस्ट कर देंगे और बाद में प्लान अनसक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसा ना करें। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अनप्लान चीज़ें भी आप बहुत ज़्यादा करते हो और बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये ना करें, ये भी मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है। और जिस चीज़ से डर रहे हैं उससे भागे नहीं, उसमें अगर आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो एडजस्टमेंट करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और बॉटम से आपके लिए आया है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, माने कि अगर अब तक आपको ऐसा लगता है कि हमेशा लोग तो आपको मदद करते आए हैं, हमेशा लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, तो अगर किसी ऐसे ज़रूरतमंद को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ उसे हेल्प करें, ऑलराइट, इग्नोर ना करें। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।